कश्मीरा शाह के बारे में जितना कहो उतना कम है। कश्मीरा एक मशहूर मॉडल, बेहतरीन डांसर और अभिनेत्री है। मॉडलिंग करने के साथ ही इन्होंने कई सारी हिंदी और रीजनल फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग और ग्लैमर स्किल्स के दम पर बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री में नाम कमाया है। और फिलहाल वो बिग बॉस के 14 सीजन में बतौर चैलेंजर्स दिख रही है। तो क्या है कश्मीरा की कहानी, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। बर्थ, चाइल्डहुड एंड फैमिली। कश्मीरा का जन्म 2 दिसंबर 1971 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। कश्मीरा ने अपनी स्कूल और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। उन्होंने प्रिंसेस हाई स्कूल और जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की है। कश्मीरा फेमस इंडियन फोक सिंगर अंजनी बाई लोलेकर की पोती है। हम आपको बता दें कि अंजनी बाई लोलेकर का नाम बड़े बड़े गायकों में लिया जाता है। कश्मीरा आधी महाराष्ट्रियन और आधी गुजराती है। करियर, कश्मीरा ने हिंदी टेलीविजन में शुरुआत 1994 से की थी और फिल्मों में शुरुआत 1996 से की थी। कश्मीरा ने अपने मॉडलिंग के करियर के दौरान कई सारे शोज को जीता है। ये मिस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड और मिस इंडिया टैलेंट का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। उन्होंने 1994 में स्टार प्लस के शो हेलो बॉलीवुड में मोना डार्लिंग का किरदार अभिनय किया था। 1997 में सोनी टीवी के सीरियल प्राइवेट डिटेक्टिव 2+2+1 में अमृता का किरदार अभिनय किया था। 2006 में कश्मीरा ने बिग बॉस 1 में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया था और 51 डेज घर के अंदर बिताने के बाद उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ा था। 2007 में कश्मीरा ने अपने पार्टनर कृष्णा के साथ स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो नजबरिये 3 में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया था। 2008 में सोनी टीवी के शो कभी कभी प्यार कभी कभी यार में अपने पति कृष्णा के साथ कंटेस्टेंट के रूप में भाग लिया था और शो की विनर के रूप में दिखी थी। इसके बाद भी कश्मीरा ने बहुत सारे शोज में कंटेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट किया था। 2011 में कश्मीरा शाह ने चैनल वी के शो स्टील योर गर्लफ्रेंड को होस्ट किया था। इस शो का दूसरा भाग 2012 में आया था जिसको कश्मीरा शाह ने ही होस्ट किया था। 2013 में कश्मीरा ने लाइफ ओके के सीरियल हमने ली है शपथ में चीफ ऑफिसर माया का रोल किया था। 2015 से 2016 में स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम में कश्मीरा ने तड़का का किरदार अभिनय किया था। 2018 में कश्मीरा शाह को ऑल्ट बालाजी के वेब सीरीज फोरप्ले में थोड़े से समय के लिए अभिनय करते हुए देखा गया था। कश्मीरा ने न केवल सीरियल और शोज में अभिनय किया है बल्कि हिंदी, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, तमिल जैसी फिल्मों में डांस और अभिनय दोनों किए हैं। कश्मीरा ने कई हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किया है। हिंदी फिल्मों में अभिनय की बात करें तो कश्मीरा ने 1997 में आई फिल्म यस बॉस में सीमा चौधरी का किरदार निभाया था। 1998 में फिल्म प्यार तो होना ही था में निशा का किरदार, 1999 में फिल्म दुल्हन बनू मैं तेरी में डॉली ठाकुर का किरदार, 2000 में फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए में नीलू का किरदार, 2003 में फिल्म जानशीन में टीना का किरदार, 2009 में फिल्म वेक अप सिड में सोनिया का किरदार, 2010 में फिल्म सिटी ऑफ गोल्ड में मम्मी का रोल निभाया था। और भी ऐसी बहुत सी फिल्म है जिनमें कश्मीरा ने कई रीजनल फिल्म्स में भी काम किया है। रिसेंटली कश्मीरा ने अपने पति कृष्णा के साथ मिलकर एक फिल्म भी डायरेक्ट की है जिसका नाम मरने भी दो यारो है। पर्सनल लाइफ, कश्मीरा के लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कैलिफोर्निया के फिल्म डायरेक्टर ब्रैड लिस्टरमैन को डेट किया था। कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन दोनों ने 2002 में शादी कर ली थी। शादी के कुछ साल के अंदर ही दोनों के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी और दोनों ने 2007 में एक दूसरे को तलाक दे दिया था। ब्रैड से तलाक के बाद कश्मीरा ने कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को डेट करना शुरू किया था। दोनों ने 2012 में शादी भी कर ली है।
कैश्मीरा और कृष्णा के दो क्यूट बेटे हैं। कंट्रोवर्सी। कैश्मीरा अपनी और राखी सावंत की कैट फाइट की वजह से सुर्खियों में आ चुकी है। कैश्मीरा मीडिया के साथ रूखा बिहेव करने पर भी सुर्खियों में बनी हुई रहती है। वेल व्यूवर्स, ऐसा माना जाता है अपने पति कृष्णा और गोविंदा के बीच में बढ़ रही दूरियों की वजह कैश्मीरा को माना जाता है। कुछ दिनों पहले ही कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर बड़ा खुलासा किया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों वो गोविंदा के सामने परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। वहीं गोविंदा ने भी कृष्णा को जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कृष्णा की सारी बातें बकवास है और उन्हें पारिवारिक मुद्दों को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। वहीं गोविंदा ने ये भी बताया कि कैश्मीरा नहीं चाहती थी कि गोविंदा उनके बच्चों से मिले। वेल, अब इसी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कैश्मीरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहां वो ये कह रही है कि वो लोगों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती है। वेल, अब इसी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कैश्मीरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहां वो कह रही है कि वो उन लोगों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती है जिन्होंने उन्हें दर्द दिया है। कैश्मीरा ने अपने बच्चों के फोटो के साथ ये पोस्ट शेयर किया है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि कैश्मीरा के एक ट्वीट की वजह से मामा गोविंदा और भांजे कृष्णा के बीच आ गई है दरार, जिस पर तभी कृष्णा ने सफाई दी थी। वो ट्वीट दरअसल कैश्मीरा ने कृष्णा की बहन के लिए लिखा था, ना कि गोविंदा और सुनीता मामी के लिए। लाइकिंग्स। कैश्मीरा के पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें खाने में कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। कैश्मीरा के पसंदीदा अभिनेता सलमान खान है। अभिनेत्रियों में कैश्मीरा को माधुरी दीक्षित पसंद है। इनकी पसंदीदा फिल्म हम आपके है कौन है। उनका पसंदीदा रंग लाल है। उनको शॉपिंग करना, पार्टी करना और घूमना बहुत पसंद है। घूमने की जगहों में कैश्मीरा को गोवा, मालदीव्स और बाली प्रोविंस पसंद है। सो व्यूवर्स, क्या कहना है आपका कैश्मीरा की कहानी पर? बताइए हमें आपकी राय और देखते रहिए टेली मसाला।